सीएम का दौरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर जिले में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे हैं। सीएम पहले पुलिस लाइन के हेलीकॉप्टर से उतरकर बिजनौर के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी सहित जिले के आला अधिकारी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने डीएम और प्रशासनिक अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। साथ ही बिजनौर के काकरान वाटिका में सीएम बिजनौर के 8 विधानसभाओं के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उन्हें चुनावी मंत्र देंगे। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर आए हैं। योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल का निरीक्षण करके बिजनौर के काकरान वाटिका में एक चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आज मुझे जनपद बिजनौर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। खेती किसानी के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों में आकर के निकले बिना मास्क के न निकले। जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। यानी 15 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है, वे अपना वैक्सीन जरूर ले लें। प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने न केवल वैक्सीन की व्यवस्था की है बल्कि हर गरीब के लिए फ्री में अन्न योजना भी प्रारंभ की है। डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को उपलब्ध भी कराया जा रहा है, एक बार केंद्र सरकार की ओर से, एक बार राज्य सरकार की ओर से। और इसलिए मेरा यह अपील होगा सबसे कि वे सावधानी और सतर्कता बरतें, कोविड के नियमों का पालन करें। सामान्य लोग भी बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। करने के बाद ऑक्सीजन में हर जनपद को आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जनपद बिजनौर में 4 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे चारों क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 558 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिनमें से 551 क्रियाशील हो चुके हैं और वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, यह पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। और यही कारण है कि हॉस्पिटल में जो पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में है, और यहां बिजनौर जनपद में जो एक्टिव केस है तो उसमें लगभग 841 जो एक्टिव केस है उसमें से 1 पेशेंट हॉस्पिटल में है, जिन्हें अभी हम देख करके आए हैं। यानी बहुत ही कम स्थिति है। लोग होम आइसोलेशन में है, उनका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अंदर भी अब ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, ये नियंत्रण की स्थिति है। और मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से और जनपद बिजनौर वासियों से निवेदन करूंगा कि कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं, हाँ सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये भी महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और आज ये इसी का हिस्सा है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, हमने रात्रि का कर्फ्यू लगाया है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग उसका पालन करें। दूसरा,
ये भी प्रयास किया गया है कि हमारे जो यूथ है 15 से 17 वर्ष तक का वो सभी युवा वैक्सीन ले ले। स्कूल कॉलेजेस में संक्रमण न हो इसके लिए बंद किए गए हैं, तात्कालिक एहतियातन उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन मेरी सबसे पीड़ होगी, एक जब तक कोविड-19 महात्मा विदुर के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज जनपद बिजनौर को हम लोगों ने उपलब्ध कराया, आज यहां पर इस जनपद के दौरे पर मुझे आने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने आवश्यक समझा कि मैं पहले थर्ड वेव के कारण कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है इसका भी अवलोकन कर लूं। और इसलिए जिला मुख्यालय के इस हॉस्पिटल में जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल स्थापित है मैंने अभी इसका निरीक्षण किया है। यहां की टीम ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो गाइडलाइन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जारी की है उसका पूरा पालन किया है। थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी और जिसके बारे में बड़ी आशंकाएं थी दुनिया के अंदर, थर्ड वेव के कारण काफी मौतें हुई, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा है फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन भारत का सबसे बेहतरीन रहा। और न केवल जीवन को बचाने के लिए बल्कि जीविका को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया आज उसका परिणाम रहा है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए भारत के बॉर्डर की सराहना पूरी दुनिया ने की। उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने कुछ विशिष्ट मॉडल भी स्थापित किए। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के कारण देश और दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। हमने प्रयास किया कि हर व्यक्ति की का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके जीवन को बचाया जा सके और इसमें काफी हद तक हमें सफलता भी प्राप्त हुई। यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी के दौरान एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए एक नई जद्दोजहद सरकार को, हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, समाज के सभी लोगों को मिलकर के करनी पड़ी। आज उसी का परिणाम है कि थर्ड वेव की जो आशंका पहले अगस्त 21 में व्यक्त की जा रही थी उसको उस समय रोक दिया गया। थर्ड वेव जब आई भी तब तक हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में बनी हुई वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और इस वैक्सीन का परिणाम है कि थर्ड वेव के प्रभाव को कम करने में इसकी बड़ी भूमिका है।